दोस्तों आज रूस और यूक्रेन की जंग ऐसे मोड पर आ गई है जब रूस की तरफ से बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 में एंट्री कर चुके हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं कि रूस की तरफ से ऐसा कहा क्यों गया है। दोस्तों रूस और यूक्रेन की जंग को चलते हुए 2 महीने आने को आए हैं और इस युद्ध में अब तक रूस को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब तक करीब रूस के 605 टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, लेकिन इस बार यूक्रेन की तरफ से रूस का सबसे घातक वॉरशिप डुबा दिया गया है और इस वॉरशिप का नाम था मोस्कोवा और रशियन लैंग्वेज में मोस्कोवा को द कैपिटल ऑफ रशिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि मोस्कोवा यूक्रेन में भारी तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उस दौरान यूक्रेन की तरफ से अपने 2 ड्रोनों को इस मोस्कोवा के ऊपर उड़ाना शुरू कर दिया गया था और ऐसा करके यूक्रेन रशिया के ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मोस्कोवा इन ड्रोन को शूट डाउन करने के लिए आगे बढ़ा तो पीछे से यूक्रेन ने 2 की संख्या में नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल भेज दी और ये मिसाइल 2 की संख्या में फायर की गई थी, जिसमें से पहली मिसाइल तो रशिया के मोस्कोवा को हिट की। दूसरी मिसाइल की मदद से यूक्रेन ने मोस्कोवा में लगे हुए वेपन्स को तबाह कर दिया और इस वॉरशिप को डूबने में 2 घंटे लगे हैं। लेकिन शुरू में रशिया की तरफ से कहा गया था कि हमारे इस वॉरशिप में आग लग गई है और हमारा वॉरशिप खराब मौसम की वजह से डूब गया है, लेकिन अब ऑफिशियली रशिया की तरफ से बता दिया गया है कि हमारा वॉरशिप डूब चुका है। ऐसा 40 से 50 साल बाद देखा गया है कि जब किसी देश ने अपने दुश्मन देश के वॉरशिप को डुबा दिया हो। नेपच्यून एक क्रूज मिसाइल है और इस मिसाइल को यूक्रेन ने खुद ही से डेवलप किया है। इस मिसाइल का डिजाइन सोवियत यूनियन के जमाने का है। पहले इस मिसाइल को KH-35 के नाम से जाना जाता था, लेकिन यूक्रेन ने इस मिसाइल को अपग्रेड कर इस मिसाइल का नाम नेपच्यून रख दिया है। लेकिन इस अटैक की वजह से अब कहीं ना कहीं रशियन वेपन्स पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों जितनी भी शिप्स होती हैं उन पर एयर डिफेंस सिस्टम लगा होता है, जिसकी मदद से दुश्मन देश की मिसाइल को तबाह किया जाता है। लेकिन इस अटैक के बाद कहीं ना कहीं रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों पर भी सवाल उठने शुरू हो चुके हैं और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि रशिया यूक्रेन की इस नेपच्यून मिसाइल को रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में एक सवाल यह आ सकता है कि भारत के वॉरशिप पर कौन सा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के वॉरशिप पर BRAC-8 जैसा डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है और ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी मदद से अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में BRAC-8 डिफेंस सिस्टम ने रशिया की इस्कंदर मिसाइल को भी मार गिराया था। इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि भारत के पास अपने वॉरशिप में आज के समय में सबसे बेस्ट क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। दोस्तों इस टॉपिक को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।